अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैं कहता हूँ कि मैं चीफ सेलेक्टर के इश्यूज़ के अंदर इंटरफेयर नहीं करता, तो चीफ सेलेक्टर जो है इतना तकड़ा होना चाहिए ना कि अगर मैं इंटरफेयर करूँ तो मुझे रिजिस्ट करे। तो अगर उन्होंने मुझे, मैंने अगर कहा और उन्होंने नहीं रिजिस्ट किया तो फिर शायद इट्स नॉट माई फॉल्ट। मगर बात यह है, ऐसी बात नहीं होती। होता यह है कि सब मिलजुल के ही बातचीत चलती है, और एट द एंड ऑफ द डे जब सेलेक्टर्स मेरे पास आते हैं कुछ लेके, तो जाहिर है उन्होंने अपना फॉर्म, बट कॉन्स्टिट्यूशनली आई हैव टू साइन ऑफ ऑन इट। ये उसी किस्म की चीज़ है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को एक ऊपर भेजता है बिल, प्रेसिडेंट साहब साइन करें। कॉन्स्टिट्यूशनली हैज़ टू साइन, बट ही हैज़ द राइट टू आस्क क्वेश्चंस, ही ऑल्सो हैज़ द राइट टू सेंड इट बैक। मगर एट द एंड ऑफ द डे अगर वो टिक जाए कि जी नहीं आपने करना है, तो देन आई हैव टू साइन। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कंसल्टेशन चलती रहती है और अच्छी चलती रहती है और गिव एंड टेक होती है। और मैं टेक्निकली आई विल नेवर इंटरफेयर, टेक्निकली आई विल नेवर इंटरफेयर इन टीम सिलेक्शन, बट एट द सेम टाइम आई हेयर ऑल योर वॉइसेस, आई हेयर मैनी टेक्निकल एक्सपर्ट्स सेइंग समथिंग डिफरेंट। सो इट्स मेरा हक है कि मैं फिर आई रेज दीज पॉइंट्स विद द सेलेक्टर्स, देन इट्स देयर डिसीजन। सॉरी, जी मैं आपको बताऊं, मैंने बड़ा सख्त स्टांस लिया सब, अगर मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है, मेरे से पहले और मेरे से बाद जो आए उन्होंने उतना सख्त स्टांस नहीं लिया। ये मेरा एक मौक़िफ रहा है, दो चीज़ें, एक तो माफ़ नहीं करना, दूसरा ये है कि जो पेनल्टी है उसके बाद अगर आप कर जाएं तो फिर आपका हक है कि आप आके खेलें, इफ़ यू कैन बी सिलेक्टेड, इफ़ यू कैन बी सिलेक्टेड। अब मैं आपको बताऊँ, मुझे पता है आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, तो खुल के बात करनी चाहिए। जब मैं गया था तो उस वक़्त एक खिलाड़ी की अभी पेनल्टी चल रही थी, जो कि हमारे दौर में उसको पेनल्टी लगाई गई थी उनके ऊपर। जब मैं चला गया तो उन्होंने उनकी पेनल्टी ख़त्म करा दी गई पहले से ही, और उनको खिलाना शुरू कर दिया। ठीक, एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरे जहन में तो ये है कि पेनल्टी पूरी होनी चाहिए, तो पेनल्टी पूरी अब हो जाएगी तो दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इसी तरीके के साथ जिन लोगों ने पेनल्टीज पूरी कर ली है, लाइक से आसिफ, नॉट आसिफ, आसिफ तो खैर आउट हो गया, आमिर, अब आमिर इज़ रिटायर्ड है जी, अब वो अगर रिटायरमेंट से बाहर आना चाहता है तो जो रूल्स हैं आपके पीसीबी के या डोमेस्टिक क्रिकेट के, वेलकम। आप रिटायरमेंट ने आपने अनाउंस की थी, आप कम आउट ऑफ रिटायरमेंट, प्ले, बी सिलेक्टेड एंड प्ले, सिलेक्शन नहीं होती कांट प्ले।